आज की ये रेसिपी आपने शायद ही बनाई होगी। पिज़्ज़ा का जो बेस है उसे बचे हुए खाने से बनाया है जो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। नमस्कार, जायका विद संगी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने बची हुई खिचड़ी ले ली है, ये करीबन 2 कप जितनी है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि खिचड़ी बनाई है लेकिन यूज़ नहीं हुई है। मेरी 2 कप बच गई है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 बड़े उबले हुए आलू, जिसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। 1/4 कप रवा, 1/2 टेबल स्पून काली मिरी पाउडर या फिर आप चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, खिचड़ी में हमने नमक डाली हुई है तो उस अनुसार हम डालेंगे। अच्छे से मसलते हुए हमें इसे मिक्स करके ले लेना है। इसमें हमने आलू का इस्तेमाल किया है जो न सिर्फ बाइंडिंग का काम करेगा बल्कि एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। और इसमें जो हमने रवा डाला है इसलिए हम इसको ढककर 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। 10 मिनट बाद मैंने तवी गरम करने रख दी है। तवी गरम हो गई है, उसमें हम 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे बटर, घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने डो बनाया है उसे अच्छे से एक बार मसल कर एक लुई बना ली है मैंने इस तरह से। जो साइज़ का आपको बेस तैयार करना हो उस साइज़ की लुई ले ले, बड़ा पेढ़ा बना ले और थाली पीठ की तरह इस तरह से तावे पर फैला दे। आपको जितना मोटा जितना पतला रखना हो उस हिसाब से इसे दबाते जाए। देखिए, चम्मच की सहायता से भी आप इस तरह से शेप देते हुए दबाते जाए। देखिए इसकी थिकनेस। अब इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करके ले लेते हैं। करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, पलट देते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया है। दूसरी ओर भी हमें इसी तरह करना है, लेकिन अब हम ये गैस लो कर देंगे, धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। अब इस पर हम केचप डालकर स्प्रेड कर देंगे और ये पूरा प्रोसेस हमें धीमी आंच पर करना है, या तो फिर गैस ऑफ कर दें। थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अपने मनपसंद वेजेस के साथ ये हम तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्राउटेड मूंग, जिससे ये एकदम हेल्दी हो जाएगा प्रोटीन पिज़्ज़ा। इसके ऊपर और थोड़ा सा चीज़ मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने डाइज्ड मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। इस पर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स, ओरेगानो। अब इसे ढककर कुक कर लेते हैं। चलिए, यस, चीज़ मेल्ट हो गई है। अब इसे तुरंत सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, कट्स दे देते हैं। देखते ही खाने का मन कर रहा है। वाओ, ये देखिए, कौन कहेगा ये पिज़्ज़ा हमने खिचड़ी से बनाया है। इसे गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। ट्राई करना तो बनता ही है जब बनाना है इतना आसान। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय।